Hello everyone, this is Anil sir. Today we are going to discuss on the important book list of history option. इतिहास वैकल्पिक विषय के कौन सारे इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट हैं, इस पे हम लोग चर्चा किया जाएगा। वस्तुतः किसी भी यात्रा की शुरुआत से पहले छात्रों को अपने तर्कस में कौन कौन से तीर होने चाहिए ये पता होना चाहिए। इतिहास वैकल्पिक विषय पे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था कि देश का सबसे लोकप्रिय ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज हो जाती है, जो प्राइमरी कंडीशंस हो जाता है कि कौन सारी बुक लिस्ट आप लोगों को अपनी तैयारी में फॉलो करना चाहिए। तो आइए दो दो तीन तीन मैं सारे सेगमेंट में बुक लिस्ट का नाम बता दे रहा हूँ। करना क्या है आप लोगों को कि किसी एक बुक को जो है मींस कि किसी भी सेगमेंट से केवल एक राइटर को आपको फॉलो अप करना है। तो एक राइटर की कोई एक बुक आप ले लीजिए, इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी भाषा जो है सहज है, जो पढ़ने में आप लोग के लिए रुचिकर होगा। उसके साथ साथ जो क्लास लेक्चर्स हैं, क्लास नोट्स हैं, दे आर क्वाइट सफिशिएंट। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं किसके साथ, प्राचीन भारत पे कौन कौन सी बुक लिस्ट है। तो प्राचीन भारत पर सबसे ज्यादा जो इन दिनों लोकप्रियता बनाया हुआ है वह उपिंदर सिंह की बुक है। उपिंदर सिंह की बुक है। उपिंदर सिंह माननीय मनमोहन सिंह की बेटी हैं, कह सकते हैं वो इस पहचान की मोहताज नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की पुत्री हैं। उन्होंने जो भी इतिहास में थोड़े से भी सुधी लोग हैं वो अपना खुद का एक पहचान इस बुक के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में बना चुकी हैं। थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, जो रोमिला थापर में जो टेस्ट मिलेगा या जो अदर राइटर हैं झा श्रीमाली में टेस्ट मिलेगा, उन सबसे रामचरण शर्मा का जो एक टोन है लिखने का उसमें एक नयापन इन्होंने दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि कुछ अगर जो छात्र कई बार छात्र तो नहीं कह सकते हैं, जो लोग कई बार हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री को, तो इस किताब को जब पढ़ेंगे तो इसमें नयापन दिखेगा और जो सारी चीजें छूट रही थी उन सारी चीजों को इसमें जो गैप है उसे फिलअप किया गया है। बेहद ही हॉलिस्टिक वे में कवरेज है। ऑप्शनल के कई सारे प्रश्न डायरेक्ट इस बुक के रिफरेंसेस से, उसके हेडिंग से हाल के वर्षों में बनाए गए हैं। बहुत ही शानदार किताब है, पहली प्राथमिकता पर है। निगेटिव थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत मोटी किताब है। ऑप्शनल के लिए मोटी नहीं मतलब एक ठीक ठाक उसका कवरेज है। ऑप्शनल के लिए आपको इस लेवल पे आना ही पड़ेगा। तो आप इधर उपिंदर सिंह को मैं प्राथमिकता देता हूँ कि आप ले लीजिए। अगर बिल्कुल छात्र तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जो कह सकते हैं ना कि देसी अंदाज होता है उत्तर भारत के लोगों का, उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार किताब है किसकी, केसी श्रीवास्तव की। हालांकि ये गाइड बुक के रूप में है लेकिन फिर भी इतना हॉलिस्टिक कवरेज किया गया है, इस कवरेज के बिहाव पर ये बहुत ही शानदार बुक के रूप में आता है। उपिंदर सिंह है, केसी श्रीवास्तव है। अगर कम में पढ़ना चाहते हैं, मतलब ज्यादा पढ़ाकू टाइप में नहीं है, किताब पे बहुत ज्यादा अध्ययन करना आपको पसंद नहीं है, संक्षेप में ही आप चाहते हैं कि ज्यादा एक ठीक ठाक आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, तो उसके लिए आप कौन सी बुक आपको लेना चाहिए, तो झा और श्रीमाली की बुक है। झा और श्रीमाली की बुक है। विजेंद्र नारायण झा हैं और कृष्ण मोहन श्रीमाली हैं। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की ये किताब बहुत ही शानदार किताब है। थोड़ा सा ड्रॉबैक जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इसमें आर्कियोलॉजिकल जो सेगमेंट है उस पर बहुत ज्यादा, मतलब एक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा आपको जानना नहीं है जितना ज्यादा इसमें डिस्कशन दिया गया है। बाद के जो चैप्टर हैं मींस कि पाषाण काल और इन सब के पश्चात, जब आप आएंगे ताम्र पाषाण के काल के पश्चात, तो बाद के चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता से छोटे छोटे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को कहा जाता है या जो पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं उनको कहा जाता है कि आपको क्या झा और श्रीमाली को देखना चाहिए। थोड़ा सा अगर स्टूडियस टाइप के स्टूडेंट हैं, भाषा शैली थोड़ी सी कठिन है, अगर वहां पे पढ़ना चाहते हैं तो रोमिला थापर की बुक आप लोग लेना चाहिए। तो चलिए ये प्राचीन भारत का हम लोगों का डिस्कशन हो गया, अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, तो अगला हम लोग का जो है वो मध्यकालीन भारत है। वो मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत
कौन सी इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है। तो इसके अंतर्गत कुछ किताबों को हम लोग देखा जाएगा। वन एंड वनली आप कह सकते हैं कि जो आप लोगों में बेहद ही लोकप्रिय है वो कौन सी किताब है, वो सतीश चंद्र की बुक है, वो सतीश चंद्र की बुक है। तो दो वॉल्यूम में आता है। पहला वॉल्यूम जो है वो सल्तनत एज और रीजनल स्टेट्स के बारे में है, दूसरी जो बुक है वो मुगल एज एंड कंटेम्परेरी जो रीजनल स्टेट्स हैं, मीन्स की मुगल काल और उस समय के जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। बहुत ही अच्छी, मतलब विश्लेषण के बिहाव पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार किताब है। अगली किताब जो सहज, देखिए किताब वही अच्छी ना जो स्टूडेंटों को आसानी से समझ में आए। थोड़ा सा सतीश चंद्र जो है भाई यूपीएससी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नॉलेज का लेवल बहुत ही एडवांस है, कुछ चीजों को ये मान के चल रहे हैं कि वो आपको पता है, वो सीधे एनालिटिक्स पे आ रहे हैं। अगर बेसिक से हर चीजों को आप क्लियर करना चाहते हैं तो एचसी वर्मा की बुक आती है। कौन है एचसी वर्मा की बुक है, ये भी दो वॉल्यूम में किताब आता है, दो वॉल्यूम में, जैसे सतीश चंद्र की दो वॉल्यूम में आती है वैसे ये भी दो वॉल्यूम में, वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर सेम चीजें मिलेंगी, ये भी सल्तनत काल पे वॉल्यूम वन है और मुगल काल पे वॉल्यूम टू है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को आप लोग लें, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में, मतलब पढ़ने का मन करता है, आपको अगला पेज इंटरेस्ट बना रहेगा कि अगला पेज क्या है। तो भाषा शैली आसान है और इस किताब को आप अच्छे से समझ करके एक अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो किसी एक राइटर को लेना है, हम लोग चूंकि भाई काम है कम से कम 3-4 राइटर आप लोग को बता दिया जाए। तो इसके अलावा इरफान हबीब हैं, इरफान हबीब की बहुत ही, इनकी भी कह सकते हैं कि जो भी हिस्ट्री में शायद अगर मास्टर लेवल पे होंगे तो आप इनको जान रहे होंगे, या जो भी हिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं इनका भी मध्यकालीन इतिहास में जो काम है वो बड़े ही उम्दा दर्जे का है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड अर्बनाइजेशन है इनके द्वारा दिया गया है, सतीश चंद्र है इनके द्वारा जो जागीरदारी क्राइसिस मुगलों के पतन में दिया गया है, तो ये सब इन लोगों की अपनी खोज है जिसके वजह से इन्होंने मध्यकालीन इतिहास में अपना एक अमिट स्थान बनाया हुआ है। अगर मध्यकाल के कल्चरल एस्पेक्ट पे इंटरेस्टेड है तो लईक अहमद की मध्यकालीन संस्कृति पत्री से किताब आती है, केवल वो कल्चरल एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है। तो जब प्री में भी ऑप्शनल हुआ करता था तब ये काफी पॉपुलर बुक्स के रूप में थी, अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि ये किताब जो है बहुत ज्यादा इसलिए प्रासंगिक नहीं कि केवल एक एस्पेक्ट को, कल्चरल पार्ट्स को ही कवर करता है, लेकिन कल्चरल एस्पेक्ट में इंटरेस्ट है तो लईक अहमद को भी आप लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पे आते हैं, आधुनिक भारत पे आते हैं कि आधुनिक भारत में किसे देखना चाहिए। तो आधुनिक भारत पर भी वन एंड वनली जो आप लोगों के बीच में बेहद ही लोकप्रिय हैं, कौन है तो बिपिन चंद है। तो बिपिन चंद की बुक काफी शानदार है, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से जुड़ी किताबें आती हैं। कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय एक ऐसा पब्लिकेशन है जिससे किसी भी किताब अगर वहां की मिल जाए उस पर आपको इफ एंड डाउट रखना ही नहीं है, बहुत ही शानदार किताब है। बिपिन चंद्र को देख सकते हैं, आजकल एक कह सकते हैं कि इंडियन है लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में है, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में है। शेखर बांधोपाध्याय की किताब जो है वो नए कलेवर में है, बांधोपाध्याय की किताब। पहले ड्रॉबैक था कि ये केवल इंग्लिश में आती थी, अब क्या है कि अब ये हिंदी में भी जो है, मतलब इसका जो ट्रांसलेट है वो हिंदी वर्जन में भी अब आ रहा है। पहले उपिंदर सिंह भी केवल इंग्लिश में आती थी, अब वो भी हिंदी में अवेलेबल है। तो हिंदी माध्यम के छात्रों को अब कहीं से भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अब हिंदी माध्यम में भी बहुत सारे कंटेंट्स आप लोगों के लिए इजिली अवेलेबल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो एक जो आप लोगों में कर सकते हैं वो गाइड बुक है,
स्पेक्ट्रम की किताब जो है वो आप लोगों में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। एक किताब जिसे आप मिस नहीं कर सकते हैं और विशेष करके लगभग 150 सालों का इतिहास का सेगमेंट किसी में भी उस लेवल पर नहीं मिलेगा, जिस मतलब डायरेक्ट समझ लीजिए ऑप्शन के क्वेश्चन उसी बुक से आते हैं। कौन सी बुक है? यशपाल एंड ग्रोवर की है, यशपाल एंड ग्रोवर की है। देखिए ये थोड़ा सा इनका पार्टनरशिप ना बदलता रहता है, यशपाल ग्रोवर के साथ है, जो ग्रोवर है बीएल ग्रोवर है इनकी पार्टनरशिप, मतलब जो कह सकते हैं कलेक्टिव जो एफर्ट्स है वो अलका मेहता के साथ भी, तो ऐसा कंफ्यूज मत कीजिएगा। बीएल ग्रोवर की जो बुक है यशपाल के साथ मिल जाए या अलका मेहता के कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाए, एस चंद पब्लिकेशन से आता है, बहुत ही शानदार किताब है। और खास करके जो मुगलों के पतन से लेकर के और यहाँ तक 1857 तक का टॉपिक है। कई सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऑप्शन में पूछे गए हैं और वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली आपको इसी किताब में मिलेगा। तो लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 1707 से 1857 150 सालों के इतिहास में ये लोग काम नहीं आएंगे, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही किताब काम आएगी, लेना ही पड़ेगा। तो ये आधुनिक भारत हो गया। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, विश्व इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पर? विश्व इतिहास की तरफ। विश्व इतिहास में देखिए एक किताब सफिशियंट है, थोड़ी सी मोटी किताब है, मोटी किताब यही मेरे सामने कहीं रैक पे होना चाहिए जहाँ पे नहीं है, तो मोटी किताब है बट क्या है बहुत ही हॉलिस्टिक वे में कवर किया गया। मीन्स कि अगर कोई भी आपको नहीं भी लीड कर रहा है तब भी आप क्या कर सकते हैं, तब भी आप स्वयं से पढ़ करके विश्व इतिहास की कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग पे आपको अप्रोच चाहिए। तो कौन किताब है विश्व इतिहास में? जैन और माथुर की बुक है, जैन और माथुर की। जैन और माथुर की किताब इंसाइक्लोपीडिया आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे जितना आपको सिविल सर्विसेज में रिक्वायरमेंट है उस पे ऑलमोस्ट इंसाइक्लोपीडिया है। इसके अलावा लाल बहादुर वर्मा की अगर चाहें तो इंटरेस्टेड है तो उनकी ले सकते हैं। इंग्लिश अगर आपका ठीक ठाक है तो नॉर्मन लोवे की बुक आती है, ड्रॉबैक यही कि वो 1914 से शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जो है वो शुरू होता है। तो रिकमेंडेशन है कि केवल इसी किताब से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सेगमेंट हो जाएगा। ऑप्शनल में अगर स्वतंत्रता के पश्चात भारत देखा जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पश्चात भारत इस पे कौन है भाई? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का सेगमेंट पढ़ना आपको नेहरूवीय ने रहा है। अगर जीएस मेंस है तो आपको पूरा कर सकते हैं पोस्ट एलपीजी तक पढ़ना है, बट ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव में आपको नेहरूवियन एरा पढ़ना है। नेहरूवियन एरा में क्या है? नेहरूवियन एरा में जवाहरलाल नेहरू के युग तक 1947 से 1964 तक, तो यहाँ पर विपिन चंद्र की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस आती है, बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही शानदार किताब। अगर नहीं भी सिलेबस रहे तब भी आपको वो पढ़ना चाहिए क्योंकि उस किताब को पढ़ेंगे ना अंतर मन से आपको जो एक बहुत सारी चीजों को आप जानते ही नहीं। बहुत सारे छात्र तो ऐसे होते हैं जिन्हें स्वतंत्रता के बाद कौन कौन प्रधानमंत्री होता है इवन ये तक नहीं पता होता है, और उन्होंने क्या क्या घटनाएं हुई, हरित क्रांति हुआ तो कैसे हुआ, जो कांग्रेस का संकट था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कैसे था, पंजाब क्राइसिस जो रहती है भिंडरा वाले का जो वो रहता है वो कैसे रहता है, इमरजेंसी के जो वो है आपातकाल, ये सब मेंस में जीएस में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, राजीव गांधी की हत्या है तो उसके पीछे क्या है, श्रीलंका का जो क्राइसिस है लिट्टे वाली जो समस्या है उस पर इंडियन गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि चिपक जाएंगे। अगर आप थोड़े से पढ़ाकू टाइप के स्टूडेंट हैं तो ये मन करता है ना कि ये सारी चीजों के बारे में कभी सुना था, आज बड़े डिटेल में जानने का मौका मिल रहा है तो पढ़ा जाए। वैसे आपको केवल नेहरूवियन एरा ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बिपिन चंद्र की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा रामचंद्र गुहा की आती है, रामचंद्र गुहा को मैं प्रीफर नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा मोटी किताब है और थोड़ा सा उनका जो व्यू है वो नेशनलिस्ट ना होकर के सबाल्टर्न व्यू को रखते हैं, तो
पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पे बिपिन चंद्र को लेंगे, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो है ये जरूरी था कि ऑप्शनल से आप लोगों को रूबरू कराया जाए कि जिस यात्रा की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं उसमें कौन सी पाठ्य पुस्तक आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव सूचनाओं के साथ। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।